मैं बहुत ईमानदारी से लोगों को अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, पर पता नहीं क्यों लोगों को मेरे बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं होता। अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं दावा करता हूँ कि आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मेहरा और फिर से लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल योर सीक्रेट अपलाइन के अंदर आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर एक ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर कि किस तरीके से हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिन लोगों के पास हम लोग अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों के अंदर अपने बिजनेस के प्रति किस तरीके से विश्वास पैदा करें, कैसे हम उनको फेथ जनरेट कर सकते हैं कि ये बिजनेस में बहुत पैसा है और वो लोग भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो दो फेजेस के अंदर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। पहला फेज या पहला चरण, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ड है फेथ, विश्वास, ये ट्रांसफरेबल होता है। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट परेशानी ये है कि आप तभी किसी के अंदर फेथ ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके खुद के अंदर फेथ हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बार लोग खुद के अंदर फेथ ना होने के बावजूद भी लोगों को बिजनेस के बारे में बताने लगते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं। अब जिस चीज की आप में ही कमी है, अभी तक आप ही को बिजनेस के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ही को अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है कि ये आगे रिजल्ट देगा, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए। जब जो चीज आपके पास है ही नहीं, वो आप आगे किसी में ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो पहला चरण या पहली चीज आपको याद रखनी चाहिए, किसी के पास भी जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके जाएं, उससे पहले आप जितनी चाहें उतनी नॉलेज अपने बिजनेस के लिए ले, जितनी चाहें उतनी अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करें, लेकिन जब तक आपको खुद पूर्ण विश्वास ना हो जाए अपने काम के ऊपर, तब तक आप किसी और को इस बिजनेस के बारे में ना बताएं। क्योंकि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, तो दे तो तभी पाएंगे जब आपके पास 100 रुपए होंगे। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप चाह के भी मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेम वे अगर आपको और मुझे ही अभी तक इस बिजनेस पे विश्वास नहीं है, तो हम चाह के भी इस विश्वास को लोगों में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो पहला फेज समझने लायक है, ये काम तभी करेगी टेक्निक जो मैं सेकंड फेज में बताऊंगा, जब आप पहली चीज को ध्यान रखेंगे कि खुद में फेथ जनरेट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, कि कौन सी दूसरी चीज है जिन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखिए, जब आप फेथ ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एज अ सेलर नहीं, एज अ नेटवर्कर नहीं, एज अ कस्टमर, एज अ प्रोस्पेक्ट सोचिए कि हमारे ब्रेन में उस समय क्या चलेगा। तो अगर मैं टेबल की उस साइड बैठे हुए प्रोस्पेक्ट की तरफ से आपको बताऊं, तो एक शब्द है या एक सेंटेंस है जो हर आदमी सुनना चाहता है, वो क्या है, मेरा क्या फायदा है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति हर चीज में यही ढूंढ रहा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। और अगर आप और मैं उनको उनका फायदा ही नहीं दिखा पा रहे, तो जितनी लंबी प्रेजेंटेशन करिए, जितनी लंबी लंबी आप बातें करिए, वो मेयर इंफॉर्मेशन जा रही है लेकिन क्लोजिंग नहीं होगी। तो याद रखिए, प्रेजेंटेशन देते समय जो बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या, सामने वाले को हमें ये जस्टिफाई करना है, ये प्रूव करना है कि इस काम में उसका क्या फायदा है। और जब कोई भी व्यक्ति हमारी प्रेजेंटेशन को देखता है, तो तीन चरण के अंदर या ये कह लीजिए तीन स्टेप्स के अंदर उसके अंदर फेथ आता है। सबसे पहला फेथ जो सामने वाले के अंदर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट के प्रति फेथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक सामने वाले को हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ नहीं होता, आगे कही हुई कोई भी बात के कोई मायने नहीं है। जैसे अगर मैं आपको ही एग्जाम्पल दूं, सपोज करिए मैं एक रियल एस्टेट के अंदर एजेंट हूं और मैं आपके पास आया और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप किसी के पास प्लान देने जा रहे हैं, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, आप उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, आप उनको एक्चुअली बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। तो अब एज अ रियल एस्टेट एजेंट मैंने, या ये कह लीजिए एज अ रियल एस्टेट नॉट ओनली एजेंट, मेरा अपना खुद का एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 100 फ्लैट्स हैं
और मैं आपके पास आके बोल रहा हूँ कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाइए और आप भी इन फ्लैट्स को मेरे साथ साथ बेचने लगिए, तो सबसे पहली चीज आपका कितना मुनाफा है, कितने फ्लैट्स बेचने के बाद आपको कितने सारे पैसे मिलेंगे, ये सब जानने से पहले सबसे पहली कन्विक्शन आपको किस चीज पे होगी कि भाई जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इस लोकेशन के ऊपर लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, ये जिस साइज में ये पर्टिकुलर यू नो फ्लैट्स बन रहे हैं, जिस क्वालिटी के साथ ये फ्लैट्स बन रहे हैं, जिस प्राइस में ये जो फ्लैट्स हैं ये कस्टमर्स को ऑफर किए जा रहे हैं, क्या कोई कस्टमर इसके लिए इंटरेस्टेड हुआ गया नहीं। मतलब एज अ बिजनेसमैन आपको सबसे पहला फेथ किस चीज के ऊपर चाहिए, आपको प्रोडक्ट पे फेथ चाहिए। रियल एस्टेट में प्रोडक्ट क्या था, घर। हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो आप जानते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, लेकिन जब भी किसी के पास जाएं, सबसे पहला फेथ जो आपको सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए वो प्रोडक्ट के प्रति करना चाहिए। वंस पीपल स्टार्ट बिलीविंग ऑन द प्रोडक्ट्स कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बिकने लायक है, हाँ ये प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का है, तब दूसरा सवाल उठता है कि अब इन प्रोडक्ट्स को बेच के मेरा क्या फायदा है। मतलब अब प्रोडक्ट के बाद सेकंड नंबर का जो फेथ है वो क्या है, बिजनेस मॉडल, या जिसको हम लोग इनकम प्लान भी बोल सकते हैं। तो अब आपको क्या प्रूव करना है कि न केवल प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, न केवल ये प्रोडक्ट इजीली आप बेच सकते हैं, बल्कि इन प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपको इतना मुनाफा हो सकता है। और जब आप उनको अपने बिजनेस की अपने इनकम के बारे में बताएं, तो बार बार दोहरा रहा हूं, आपको उनको क्या बताना है कि उनका क्या फायदा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम कई बार बोलते हैं हमारा बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है, हमारा बिजनेस आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला क्या सुनना चाहता है, मेरा क्या फायदा है। तो आपको कैसे बोलना चाहिए, हमारा बिजनेस आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, जिसकी मदद से अगर आप चाहो तो आप रेगुलरली अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकते हो, आपके बजट पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं जाएगा। हमारा बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है, जिसकी मदद से आप अपनी फैमिली के साथ जितना चाहें उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सपोज अगर आप किसी स्टूडेंट को प्लान दे रहे हैं, तो हमारा बिजनेस आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकता है, जिसकी मदद से आप किसी भी 10 लोगों के बीच में कभी भी आप जाके बात करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लुकअप करेंगे। तो अब मैंने ये क्या किया, मैंने अपना बिजनेस प्लान बताया, बिजनेसमैन के फायदे भी बताए कि मेरे बिजनेस में क्या क्या यू नो फीचर्स या बेनिफिट्स मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक चीज और क्या ऐड कर दी, मेरे बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं उनसे आपको क्या फायदा होगा, ये भी मैंने साथ ही साथ बताया। तो रिपीट कर रहा हूं, आपको सबसे पहला प्रोडक्ट पे फेथ जगाना है, दूसरे नंबर का फेथ है बिजनेस या बिजनेस मॉडल या इनकम प्लान के ऊपर फेथ होना चाहिए, और तीसरा फेथ जो सामने वाले को चाहिए वो है आपके ऊपर, वो है आपके ऊपर। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैं रियल एस्टेट के अंदर एक बिल्डर हूं, और मैं आपके पास आया, और आपके पास आने के बाद मैंने आपको बताया, आपको लोकेशन पसंद आ गई, आपको लगा अरे सस्ते फ्लैट्स हैं, लोग खरीद भी लेंगे, आपको आपका मार्जिन भी समझ में आ गया कि यस बॉस अगर इतना मार्जिन एक फ्लैट पे मिल रहा है तो फायदे का सौदा है, लेकिन अंत में मेरे ऊपर ही आपको विश्वास नहीं हुआ, आपको लगा ये झूठ बोल रहा है, ये फ्लैट बना के देगा नहीं, कल को मैं फंस जाऊंगा, तो क्या आप मेरी बिजनेस पार्टनरशिप आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है, लोग बिजनेस प्लान से भी कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके पास बिजनेस लेके आता है उससे वो कन्विंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको दिख जाता है कि इसी के अंदर फेथ नहीं है अपने काम को लेके, अभी तो इसका ही विश्वास पूरा नहीं है। जो मैंने शुरू में भी बोला, जब लोग ये भापने लगते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है अब इसकी गारंटी मुझे लग नहीं रही, इसको देख के इसकी बातों से मुझे लग रहा है हफ्ता 10 दिन 20 दिन का इसका शौक है, इसका शौक पूरा हो जाएगा फिर इसने काम करना बंद कर देना है, मेरा नुकसान हो जाएगा। और यहीं पर बिजनेस से कन्विंस होने के बावजूद भी, प्रोडक्ट से कन्विंस होने के बावजूद भी लोग साइन अप नहीं करते। तो रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर फेथ जनरेट हो, तो इस साइकोलॉजी को, कस्टमर साइकोलॉजी को समझिए, इन तीन चीजों के ऊपर आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। पहले नंबर पे प्रोडक्ट, ताकि लोगों को ये भरोसा हो सके कि इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी मार्केट है और इजिली मार्केट में बिक सकते हैं। नंबर टू बिजनेस प्लान, लेकिन बिजनेस प्लान के अंदर आप अंत करेंगे ये बता के कि इस बिजनेस से आपको ये फायदा मिलेगा। और तीसरा और अंतिम, आप खुद, जो व्यक्ति
इस बिजनेस को या जो व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किसी के पास लेके जा रहा है, मेरा एक्चुअली में फेथ ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर मेरे अंदर ही फेथ की कमी है, मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं चाह के भी वो फेथ सामने वाले में ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए और अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाइए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।